रंगों का त्योहार होली आ चुका है। इस बार होली का पर्व 24 और 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन रंग खेलना अभी से ही शुरू हो चुका है। इस त्योहार का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। ये पर्व जितना ही रंगों से भरा होता है, उतना ही अगर लापरवाही की तो हमारी त्वचा और बालों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। लेकिन इस डर से आप रंग ना खेलें, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में होली पर जमकर रंग खेलकर जश्न मनाया जाए और आपकी त्वचा और बाल भी पूरी तरह से स्वस्थ बने रहें, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, जिसमें जिला महिला अस्पताल के CMS व वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि रंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जिन रंगों से हम होली खेलना चाहते हैं वे केमिकल युक्त नहीं होने चाहिए। हमें सिर्फ नेचुरल रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास नेचुरल रंग उपलब्ध नहीं है तो सूखी होली को प्राथमिकता देना चाहिए। वहीं अगर ऐसा ना हो पाए तो हमें शरीर के नाजुक अंगों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही होली खेलने से पहले शरीर पर किसी भी मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर कर ले। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी लोगों को, सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दूसरी तरफ से मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो हमारे आमजन इस चीज से प्रभावित ना हो, रंगों के दुष्प्रयोग से या किसी भी तरह की परेशानी से उन्हें कोई सामना ना करना पड़े। तो कुछ बचाव हैं, जैसे पहले कोशिश करें कि जितने भी जो रंग वगैरह है वो केमिकल बेस्ड ना हो। रंग है, गुलाल है, ये केमिकल बेस्ड ना हो। ज्यादातर जो है जो नेचुरल फॉर्म में जितने मिलते हैं उनका उपयोग करें और होली खेलने से जितना हो सकता है रंगों से बचें, है ना। सूखी होली को प्राथमिकता दें, लेकिन फिर भी कहीं जरूरत पड़ती है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरह की चीजों का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारे नाजुक अंग होते हैं, आंख है ना, या इस तरह की चीजों पर जो प्रभावित ना हो, है ना। और होली खेलने से पहले शरीर के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं उपलब्ध है तो गोले का तेल हल्का से पानी में लाके वो लगा लें ताकि रंगों को छुड़ाने में थोड़ा आसानी रहे। और होली खेलने के तुरंत बाद जो है सादे पानी से और सादे साबुन जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं उनसे उनको साफ कर लिया जाए। वही सर, हेयर की अगर बात किया जाए तो किस तरीके से उनका बचाव किया जाए जिससे रंगों से उनको प्रभावित ना हो? मैंने बताया ना, आप होली खेलने से पहले ही अपने स्किन पे जो है कोई भी मॉइस्चराइजर अगर अवेलेबल नहीं है तो गोले का तेल थोड़ा सा पानी मिला के उसको मसाज कर सकते हैं ताकि रंगों का दुष्प्रभाव कम से कम।